गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत ही स्वागत अभिनंदन है जिनको सुनने के लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे युवा नेता, हमारे नौजवान नेता हमारे बीच में, हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज 2000 किलोमीटर से ऊपर हमारे राहुल गांधी जी पदयात्रा कर चुके हैं। हमारे लोगों की पीड़ा लेकर, हमारे लोगों के दुख दर्द को लेकर हमारे युवा नेता संघर्ष कर रहे हैं। हम साधुवाद देते हैं राहुल जी आपको, ये आपने जो इतिहास रचा है, इस इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा कि राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों के दुख तकलीफ को देखते हुए पदयात्रा की। ये अपने आप पे एक इतिहास रचने का काम किया है। मैं ज्यादा, क्योंकि आगे भी राहुल गांधी जी के कार्यक्रम और सुबह से पदयात्रा करते हुए यहाँ पहुंचे महाकाल की इस नगरी में, हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले और एक बार मिलकर नारा लगाएंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं सबसे पहले तो संपत सरल जी जब अपनी कविता कहें, मैं अनाउंस कर देता हूं, तब तक वो हमारे नेता राहुल गांधी जी का स्वागत अभिनंदन के लिए मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी से कहूंगा कि वो स्वागत करें। जयप्रकाश जी, सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता, वो स्वागत करें। कमल पटेल जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, रवि भदौरिया जी, इनसे कहूंगा कि ये स्वागत करें, अभिनंदन करें। सूर्य अस्त होने की ओर है तो मैं अभी ये स्वागत होता रहेगा। मैं संपत सरल जी से कहूंगा कि जब अपनी कविता आप अपने पेश करें, मैं इनका स्वागत करते हुए। आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत वंदन अभिनंदन सत्कार होता हुआ, भारत जोड़ो यात्रा की धुरी आदरणीय राहुल गांधी जी, सम्मान की औपचारिकताएं हो चुकी हैं और आदरणीय कमलनाथ जी का मुझे आदेश भी था, दिग्विजय सिंह जी और तमाम लोग यहां बैठे हैं। आज हम काफी समय साथ चले और मीडिया पे बात हो रही थी, मैं उस मीडिया की बात से पहले मध्य प्रदेश की जनता की एक पीड़ा व्यापम को अपने व्यंग्य के माध्यम से बताना चाहता हूं। व्यापम क्या था आप लोग भी ध्यान से सुनो कि सटायर में बात ऐसी कही जा सकती है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। अब आपकी तालियां बजेंगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। मीडिया को
एक तो मुझे राहुल जी पूछ रहे थे कि आप इतना व्यंग करते हो, कभी कोई धमकी या कुछ इस तरह का आया? मैंने कहा साहब हम लोग हंसी मजाक में टाल देते हैं। एक दिन के इनकम टैक्स के अधिकारी ने मुझसे मजाक की कि संपत सरल जी मोदी सरकार पे इतना तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब एक हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? और अगली बात जो मैंने कही तालियां उस पर उठेंगी आपकी। मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ये भाजपा ही जिसको भ्रष्ट और अपराधी कहते हैं वही अगर बीजेपी में आ जाता है तो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। आप ज्यादा मीडिया का टेंशन मतलब दो मिनट में बात खत्म करता हूं। अखबार अब तीन चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से दो लोग आ गए, बोलो संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। एक रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया मैंने कहा रुपया चाहे एक की जगह दो ले जाए लेकिन 16 पेज खाली दे जाया करो। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं, तो अचानक एक दिन अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा, मैं बड़ा खुश हुआ जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई ऑकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है, और प्राइम टाइम पे भैंस देखते हो जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे, 4 जन भैंस आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। अब आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला भैंस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। अंतिम लघु कथा सुना करके अपना स्थान लेता हूं, यह भी मीडिया पे है, ध्यान से सुनना। ब्रेकिंग न्यूज, मीडिया के बंधु बैठे, ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे, और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिन जो ही सम्राट चक्रवर्ती सम्राट कथा यहां से शुरू होती है, एक दिन जो ही सम्राट नहाकर स्नान घर से निकला त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, सम्राट नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, सम्राट आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, सम्राट क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, सम्राट पहली बार नहाया। पांचवे न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, सम्राट खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, सम्राट पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, सम्राट गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, सम्राट साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, सम्राट स्नान घर में नहाया। और तालियों से विदा करना, दसवें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, सम्राट आज तो नहाया। अब मैं हमारे स्वागत भाषण के लिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री गोविंद सिंह जी से कहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें और स्वागत भाषण दें। आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता। हमारे और आप सबके नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश के हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, माननीय हमारे प्रभारी संगठन के आदरणीय जेपी अग्रवाल साहब, सम्माननीय राय साहब, उपस्थित मंच पर सभी हमारे सम्माननीय वरिष्ठ जन और उपस्थित सम्माननीय सभी सामने आए हुए देवियों, सज्जनों और भाइयों, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के हमारे नेता ने शिवराज सिंह ने कहा राहुल गांधी के साथ कौन चलेगा, नौजवान हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी बूढ़ों की पार्टी है। लेकिन जब मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से और शिवराज सिंह जी से, आज पूरी देश की तड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जन सैलाब के साथ निकल पड़ी है। और यही जब देश की तड़ाई जब निकल पड़ती है सड़क पर, तो देश में भविष्य, देश का भविष्य तड़ाई नौजवान तय करते हैं। माननीय राव जी, मैं ज्यादा बोल के एक दो बात कहना चाहता हूं। आज सबसे ज्यादा किसान दुखी है। मोदी जी ने किसानों के गांव गांव में बोर्ड लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने गांव में वॉल पेंटिंग कराई है कि हम किसानों के सम्मान में 6,000 रुपए 10 एकड़ के मालिक किसानों के 6 एकड़ जमीन, 5 बीघा मतलब 10 बीघा 6,000 रुपए दे रहे हैं सम्मान, प्रधानमंत्री सम्मान निधि। मैं अभी खेती किसानी वाला, हमारा परिवार, हम खेती करते हैं। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी 2 हेक्टर पर जमीन पर केवल डीजल के भाव बढ़ने से 2014 से और वर्तमान आज तक डीजल के भाव 5 निदाई गुड़ाई कटवाई थ्रासिंग कराई, उसके बाद मंडी में ले जाकर फसल बेचने पर 7,350 रुपए खर्चा आया। अब मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी ने, किसान भाइयों ज्यादातर आप इलाके के हो, मोदी जी ने किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपए आपकी दाहिने जेब में डाले और 7,300 रुपए आपकी भाई जेब से डीजल के भाव बढ़ाने से निकाल लिए, 1,300 रुपए ज्यादा 6,000 दिए और 1,300 रुपए ज्यादा आपसे वसूल कर लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रधान सम्मान निधि है। जब कांग्रेस की सरकार थी कृषि यंत्रों पर न GST लगती थी न टैक्स लगता था, आज हर किसान के प्रत्येक यंत्र पर, थ्रेसर पर, कल्टीवेटर पर, रोटावेटर पर, सब पर टैक्स लगा दिया है, GST लगा दिए और हर जिन्स का भाव सवा बहुत कुछ बढ़ चुका है। किसानों के ट्रैक्टर पर टैक्स नहीं लगता था, आज 18% GST लग गया। जो ट्रैक्टर 4 लाख आता था, 4 लाख का, उस पर 18% नहीं, वर्ष के भी भाव बढ़ गए। अब मैं आप किसान भाइयों, एक आप सब दुखी हैं, कांग्रेस पार्टी राहुल जी आपके मुद्दे उठाती है, दूसरा है नौजवानों का सवाल। माननीय राहुल जी, आज गांव का किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग का नौजवान आज परेशान है, बेरोजगार है। मध्य प्रदेश में 2-4 दिन बाद छोड़कर प्रत्येक समाचार पत्र में एक दिन पढ़े लिखे लड़के, इंजीनियर, PhD करे हुए, ये सब एक न एक प्रतिदिन आत्महत्या करने को मजबूर है बेरोजगारी के कारण, रोजगार न मिलने से। माँ बाप ने पढ़ाया, पैसा खर्च लगाया, लेकिन रोजगार नहीं मिला, माँ बीमार है, पिताजी कहते हैं बेटी के लिए कुछ मदद करो, तो दिन भर बाजार में घूमता है, रोजगार नहीं लगाता, सोचता मेरे पिताजी ने सब कुछ किया, आज हमारे लिए हमारा बेटा कुछ नहीं करता, इसलिए मौत उधर जाता है। केवल आज मध्यम वर्ग किसान मजदूर का बेटा गांव में जो रहता है, अपने घर का काम करता है और 5,000 रुपए में इंटर पास कर लेता है, और जो पूंजीपतियों के बड़े पैसे वालों के लड़के 10-10 हजार रुपए की महीने के ट्यूशन लगाते हैं, अच्छा खुराक खाते हैं। जब नंबर आते, अभी कांग्रेस की सरकार की नींद बदल दी शिवराज सिंह जी ने, आज पहले फिजिकल कराते थे गांव के लड़के, मजदूर, छोटे कृषक, छोटे व्यापारी के लड़के फिजिकल में फिट हो जाते थे, अब केवल सीधे परीक्षा करा रहे हैं जिससे वो फेल होते हैं और आज बेकार हो गए। इसलिए
मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं, राहुल जी के नेतृत्व में किसान मजदूर व्यापारी सब निकल पड़े और देश में बदलाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। राहुल गांधी, राहुल गांधी, भारत जोड़ो। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी, राहुल सिंह जी, मैं सबका नाम नहीं लेता क्योंकि राहुल जी को बोलना है, मैं उनका टाइम नहीं लेना चाहता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहां आए, आपने अपना प्यार राहुल जी को व्यक्त किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर मुझे बल और शक्ति दी। राहुल जी, जिस प्रदेश में आप आए हैं, ये प्रदेश बेरोजगारी में नंबर वन, भ्रष्टाचार में नंबर वन, किसानों के साथ अन्याय में नंबर वन, सही बात है, महिला पर अत्याचार में नंबर वन। राहुल जी, आप उस प्रदेश में आए हैं और आप जिस शहर में आए हैं, ये शहर मूल्यों का शहर है, ये हमारी संस्कृति का शहर है, संस्कृति का प्रतीक है, और संस्कृति का प्रतीक केवल नहीं है, यहां से जो संदेश आप भारत की संस्कृति का देते हैं, यही संस्कृति हमारे देश को एक झंडे के नीचे रखती है। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सब समाज सब धर्म को जोड़ के रखते हैं, ये भारत की संस्कृति है और ये शहर उस संस्कृति का प्रतीक है। राहुल जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आप अभी तक 2100 किलोमीटर चल लिए हैं। राहुल जी ने 2100 किलोमीटर चल लिया है, 3700 किलोमीटर और चलेंगे, पूरी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3700 किलोमीटर की है और ये जोड़ो यात्रा उस संस्कृति की रक्षा पर है, ये जोड़ो यात्रा हमारे संविधान की रक्षा की है, ये यात्रा हमारे नौजवानों की भविष्य की है, हमारे किसानों की मजबूती की है। राहुल जी, कोई देश नहीं है जो ऐसी जोड़ो यात्रा निकाल सकता है, कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए, इतनी जातियां हुए, इतनी भाषाएं हुए, इतने त्योहार हुए, ये भारत है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जिसने अन्य धर्मों को भी जन्म दिया। अभी राहुल जी गए थे प्रणाम करने प्रज्ञानंद जी महाराज को, राहुल जी गए महाकाल में, कोई ऐसा देश है? कोई ऐसा देश नहीं है। दिसंबर 2020 में आपने कांग्रेस की सरकार बनाई, कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जिसकी व्यवस्था बनाई हुई थी, किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्या मध्य प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश की पहचान थी, कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने? मैंने शुरुआत करी महाकाल को भी मैंने 350 करोड़ रुपए दिया, और मोदी जी आए जैसे उनकी योजना थी, मैंने शुरुआत किया कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए,
हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया किया। हमने शुरुआत करी, अपनी नीति कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी आपको, पेंशन बढ़ाया, किसानों को राहत, किसानों को भटकना नहीं पड़ा खाद के लिए। आज जो किसान भटक रहा है खाद और बीज के लिए, जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी भटकना नहीं पड़ता था, भटकना नहीं पड़ता था। पहले किस्त में हमने कर्जा माफ किया, दूसरा किस्त चल रहा था, सौदे से हमारी सरकार गिराई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करना चाहता था। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान और हमारे बुजुर्गों की दुनिया में बहुत अंतर है। आज के नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो अपने हाथों को काम चाहता है, व्यवसाय का मौका चाहता है। पर अगर प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से होए, कौन सा निवेश आएगा? अगर मिलावट से होए, अगर माफिया से होए, कोई क्या निवेश आएगा यहाँ? तो ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। ये नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, इनका भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, राहुल जी को अभी उनकी बात सुनिएगा, किस तरह उनकी तपस्या, उनकी मेहनत से उन्होंने हमें प्रेरित किया है, पूरे देश को प्रेरित कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि 9 महीने बाद फिर से कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे यहाँ के अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की ओर से प्रभारी श्री जयप्रकाश जी अग्रवाल साहब से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आए और राहुल गांधी जी को यहाँ अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करें। आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल साहब। आदरणीय राहुल गांधी जी, सब लोग आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक मिनट में माँ काल की इस धरती पर कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने कांग्रेस में बहुत बड़ा स्थान लिया है। आदरणीय डीपी मिश्रा साहब, गार्गी शंकर मिश्रा जी, शंकर दयाल शर्मा साहब, वीसी शुक्ला जी, श्यामा चरण शुक्ला जी, पीसी सेठी साहब, अर्जुन सिंह जी, मोतीलाल वोरा साहब, सुभाष यादव जी, अजीत कुरैशी जी, सुरेश पिचौरी जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और भी बहुत सारे नेता यहाँ हुए जिन्होंने देश को दिशा दी। अब मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से दरखास्त कर रहा हूँ, वो आए और यहाँ अपना संदेश दें। आदरणीय राहुल गांधी जी अब हमारे बीच में आ रहे हैं, उससे पहले एक मैं कविता कहना चाहूंगा। महाकाल की इस नगरी में एक तपस्वी आया है, पावन माटी सुधरा को नमन करने आया है, बारिश धूप से जूझ कर, धूल मिट्टी को चूम कर, आंधी तूफानों को सहकर, संघर्षों से तपकर, दक्षिण से उत्तर की ओर पैदल चलकर आया है। एक महाकाल की नगरी में एक तपस्वी आया है, नफरतों को प्यार में बदलने, जनमानस की रूह सुनने, अड़िग सत्ताधीशों से लड़कर, विरोधियों को ललकार कर, प्यार अमन का संदेश फैलाने, नए युग का गांधी आया है। महाकाल की नगरी में एक तपस्वी आया है, न थकान न विश्राम, उसे न झुकेगा न रुकेगा, कदम उसके चल पड़े हैं एक धरा को बचाने। इस पावन प्यारी माटी में एक तपस्वी आया है, महाकाल की नगरी में करते उनका स्वागत वंदन। पधारो राहुल जी, विनम्रता से आपका अभिवादन है। पधारे राहुल जी, आदरणीय राहुल गांधी जी। जय महाकाल, जय महाकाल,
जय महाकाल। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के युवाओं, किसानों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? अब तकरीबन 80 दिन हो गए कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है और आज हम आपके इस पवित्र शहर में आए। हम सब ने दर्शन लिए और बहुत अच्छा लगा। ये आपका जो शहर है, जो महाकाल मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, आज हम शिव जी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? हिंदुस्तान भगवान शिव को मानता है तो क्यों मानता है? आप में से कोई बता सकता है? ये संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। अब देखिए, सबसे बड़े शिवजी तपस्वी कृष्ण भगवान, तपस्वी श्री राम तपस्वी, और हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को आप देखिए, सारे के सारे तपस्या करे हैं, सही या गलत? और सिर्फ भगवान तपस्या नहीं करते, शिव जी का भगवान राम, कृष्ण भगवान, इनकी तपस्या का मुकाबला नहीं है। मगर हिंदुस्तान तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है, सही बोला या गलत बोला? हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो इस देश में ये तपस्वी कौन है? आपने कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की, ये कोई बड़ी तपस्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। सबसे पहले कोविड के समय में जो मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, पंजाब से, देश के एक कोने से दूसरे कोने गए, वो तपस्या करते हैं। दूसरे नंबर पे जो इस देश को भोजन देते हैं करोड़ों किसान और उनके परिवार,
चार बजे सुबह उठ के हर रोज तपस्या करते हैं। बड़ाई नाई माली इलेक्ट्रिशियन छोटे दुकानदार मजदूर ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं और तपस्या करते 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 मर जाते हैं। सही? ये तो कुछ नहीं है, ये तो 3 महीने की तपस्या है, 5-6 घंटे 8 घंटे लगा लो, थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है, थोड़ी सी प्यास लगती है, मगर यह तपस्या नहीं है। तपस्या किसान करता है, मजदूर करता है। अब मेरा सवाल है, हिंदू धर्म कहता है, हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती, और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती। दो लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट। ये देखो भैया ड्रोन उड़ रहा है, ये भी ले जाएंगे उठा के। सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। दो लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है, और करोड़ों लोग सुबह उठते हैं। किसान 4 बजे उठता है, हाथ फट जाते हैं, खून निकलता है। मैं 2000 किलोमीटर चल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। भैया हाथ मिलाना, ये देखो हाथ मिलाया, ये किसान नहीं है, क्योंकि किसान के हाथ फटे होते हैं। उसका दर्द उसके हाथों में होता है, उसकी तपस्या के निशान उसके हाथों में होती है। और इन सड़कों पे हजारों किसानों से मैंने हाथ मिलाया, और हर एक किसान मुझसे ये पूछ रहा है, घूम फिर कर ये पूछ रहा है, राहुल जी इस देश में हम तपस्या करते हैं, इस तपस्या का हमें फल क्यों नहीं मिलता? फर्टिलाइजर क्यों नहीं मिलता, और जब मिलता है इतना महंगा क्यों है? हमें अपनी मेहनत के लिए सही दाम क्यों नहीं मिलता? हम बीमा का पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, खेत बर्बाद हो जाता है, रोना आता है, और जब हम बीमा की प्राइवेट कंपनी को फोन करते हैं, फोन नंबर में कोई फोन नहीं उठाता। इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, मगर किसान को जो बीमा देने वाली कंपनी होती है उनका एड्रेस नहीं मिल सकता।
सही। फिर कहते हैं राहुल जी पेट्रोल 60 रुपए का था, आज 107 रुपए का है। हर रोज हमारी जेब में से पैसा निकलता है। राहुल जी हम तपस्वी हैं, ये सारा का सारा पैसा उन तीन चार पूजा करने वाले लोगों के हवाले क्यों जा रहा है? गीता में लिखा है, गीता में लिखा है कि तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और फल नहीं देखना चाहिए। मगर हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है, और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। मैंने किसानों की बात की, सिर्फ वो तपस्या नहीं करते, चलिए युवाओं की बात करते हैं। इन्हीं सड़कों पे हर रोज युवाओं से मिलता हूं, तपस्या किए हैं, पढ़ाई की है, स्कूल गए, बदमाशी की तो मार भी पिटी है, दो तीन थप्पड़ भी लगे हैं, बच्चे हैं, तपस्या की है, एग्जाम लेते हैं, तपस्या करने के बाद पता लगता है व्यापम स्कैम हो गया, तपस्वियों से चोरी हो गई, छोटे छोटे तपस्वियों से स्टेट की सरकार चोरी करती है, उनका भविष्य खत्म कर दिया। आज बच्चों ने मुझे कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या तपस्या की, पढ़ाई की, इंजीनियरिंग डिग्री ली। अच्छा सिर्फ आपके पास तपस्या थी? नहीं नहीं नहीं, मेरे पिता किसान हैं, उन्होंने भी तपस्या की, मेरी मां रोज खाना पकाती हैं, उनकी भी तपस्या है, मेरी दादी भी मदद करती हैं, उनकी भी तपस्या है। अच्छा डिग्री मिली तो क्या हुआ? चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि इस देश में तपस्या का फल नहीं मिल सकता। बेटा बताओ क्या करते हो? मजदूरी करता हूं मैं, मेरे तपस्या का फल मजदूरी मध्य प्रदेश की सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने दिया, नहीं पकोड़े भी नहीं होते भैया, आजकल पकोड़े भी नहीं चल रहे, तो कहने की बात थी। चलिए छोटे दुकानदारों की बात करते हैं, छोटे दुकानदारों की बात करते हैं, और जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस है, अच्छा मैं भूल गया, प्रेस वालों की भी बात करनी है, इनकी भी बात करनी है, इनको नहीं छोड़ना, अभी बोलता हूं। तो सुनो सुनो, तो छोटे दुकानदार हैं, उनके साथ नहीं नहीं मैं सबकी बोलूंगा, आज मैं महाकाल गया हूं तो तपस्या की बात करनी है, उन्हीं से सीखा हूं मैं।
आज पंडित जी ने मुझे बोला, उन्होंने मुझे बोला कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जो आपने बोला उसको समझ लिया। मैंने कहा आपने ही मुझे समझाया है। तो देखिए, छोटा दुकानदार सुबह उठता है, उसके साथ दो तीन लोग काम करते हैं, दिन भर काम करता है, कभी कभी किसी को पैसे की जरूरत होती है वो भी दे देता है, काम करता है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता जैसे बड़े उद्योगपति होते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं। तो अगर बड़े उद्योगपतियों का कैश फ्लो रुक जाए, जैसे कोरोना के समय हुआ, उनको कोई मुश्किल नहीं होती। एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, छह महीना, एक साल उनका कैश फ्लो रोक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बेचारों को अगर आपने कैश फ्लो 15 दिन, एक महीना रोक दिया, तो आपने इनका गला घोट दिया, मतलब यूं पकड़ लिया उनको। और अगर आपने 2 महीने कर दिया तो आप इनको मार दोगे, खत्म कर दोगे। अब देखिए, मैं ये दुकानदारों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की बात क्यों करता हूं, क्योंकि यही लोग देश को रोजगार देते हैं, मतलब पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। ये लोग देश को रोजगार देते हैं, युवाओं को काम देते हैं, तो पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। किसान लोगों को भोजन देते हैं, तो बैलेंस की जरूरत होती है। सरकार ने क्या कहा, क्या किया? अभी 6 बज रहे हैं, 8 बजे, इन सबको याद है, ये कोई नहीं भूला, ये घड़ी देखते हैं 8 बजे, इनके दिल में धड़ थोड़े, उनका दिल तेजी से दौड़ता है। 8 बजे नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी, और फिर 4 घंटे बाद 12 बजते कहते हुए 12 बजे जीएसटी की थी। 8 बजे नोटबंदी, 12 बजे जीएसटी लागू की। और इनकी जो तपस्या है, उस तपस्या से चोरी की। क्यों किया? ये पॉलिसीज नहीं थी। यह आप मत सोचिए, और जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप ये मत सोचिए कि ये पॉलिसीज थी, ये आपके कैश फ्लो को खत्म करने के हथियार थे। देखो, समझ गए ना, दुकान चलाते हो ना, देखो समझ गया, ये पॉलिसियां नहीं है जो कोविड के समय किया गया, नोटबंदी और जीएसटी, और जो किसानों के साथ इन्होंने करने की कोशिश की मगर किसानों की शक्ति ने इनको रोक दिया, ये पॉलिसीज नहीं थी, ये हथियार थे। किसी किसके लिए हथियार थे, किसके हथियार थे? वही जो 3-4-5 बड़े उद्योगपति हैं, उनके हथियार हैं, उनके हथियार हैं। और लक्ष्य क्या है? हिंदुस्तान की जो तपस्या है, हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, उनको दबाओ, उनको कुचलो, और उनके जेब में जो पैसा है उसको छीन कर 5-6 लोगों को दे दो। नुकसान देश का हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और मिल नहीं सकता क्योंकि आपने वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, नोटबंदी करके, जीएसटी करके, कोविड में जो आपने किया, अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया, इनको छोड़ दिया, एक रुपया तक नहीं दिया इनको, तो आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और इसको अब फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान को जाके रोजगार मिलेगा। प्रेस की बात करता हूं। अच्छा देखिए,
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो यहां बैठे हैं इनकी गलती नहीं है, इसमें इनकी गलती नहीं है, ठीक है। ये बेचारे तपस्या करते हैं, मैं देख रहा हूं इनको, ठीक है, पैदल नहीं चल रहे मगर ट्रक पे तो बैठे हैं, और वो भी तपस्या है, मतलब 80 दिन से बैठे हैं। इनकी तपस्या क्या है? इनकी तपस्या है सच्चाई को देखो, सच्चाई को देखो, सच्चाई को समझो और देश की जनता को बताओ। ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, अपनी तपस्या करना चाहते हैं, ये देश को सच्चाई दिखाना चाहते हैं, लड़ते हैं। ये पीछे से लगाम लगी हुई है, लगाम किसके हाथ में? वही लोग जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहे हैं उनके हाथ में। तो ये हो रहा है देश में, बीजेपी के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं, मतलब भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि तपस्या ही भगवान है, और हिंदुस्तान के किसान के अंदर भगवान है, मजदूर के अंदर भगवान है, छोटे दुकानदार के अंदर भगवान है, मीडिया वालों के अंदर भगवान है। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, युवाओं को चोट पहुंचाते हैं, अगली पीढ़ी को चोट पहुंचाते हैं। दो हजार किलोमीटर चले हैं, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं अजीब सा है, आप देख लीजिए, चेहरे देख लीजिए, कोई थका नहीं है, ऐसे लग रहा है मुझे कि सुबह उठा हूं, नहा के आया हूं, मैं बता रहा हूं आपको क्यों, क्योंकि देश के तपस्वी बात समझ रहे हैं, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा बात समझ रहे हैं, कह रहे कि हां देश के तपस्वियों का अपमान हो रहा है, बात समझ रहे हैं और इस यात्रा को मदद कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की यात्रा है, किसानों की यात्रा है, मजदूरों की यात्रा है, छोटे दुकानदारों की यात्रा है, युवाओं की, बुजुर्गों की, माताएं बहनों की यात्रा है, प्रेस वालों की यात्रा है, लिख नहीं पा रहे मगर है इनकी, और सारे के सारे लोग अपने तरीके से इस यात्रा की मदद करने। बच्चों ने पिगी बैंक दिया, दो बच्चों ने महीनों पैसे बचा के पिगी बैंक दिया, कोई पानी दे रहा है, कोई परौंठे दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई घर से चाय ला रहा है, कोई चल रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है कि मैं आपके साथ चल नहीं सकता हूं, मैं डरता हूं, सरकार से डरता हूं, मगर मैं आपके साथ हूं, बहुत लोग हैं। तो इस प्यार के लिए आपकी मदद के लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, और ये कभी मत भूलिए, ये कभी मत भूलिए, ये देश तपस्वियों का है और हिंदू धर्म भी तपस्वियों का है। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं हमारे संयोजक श्री पीसी शर्मा साहब से कहूंगा
कि वो आभार व्यक्त करें श्री पीसी शर्मा साहब। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, जोड़ो 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 जोड़ो। ये राहुल गांधी जी के जो भारत जोड़ो पद यात्रा है, इसमें आप लोग सब साथ देंगे, सब साथ देंगे। भारत माता की। ये राहुल नहीं आंधी है, ये राहुल नहीं आंधी है, जो पद यात्रा करे वो गांधी है, जो पद यात्रा करे वो गांधी है। राहुल जी मैं कहना चाहता हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन जो आपने कहा कि ये तपस्या नहीं है, लेकिन ये तपस्या है। आप महाकाल 2100 किलोमीटर पैदल चल के आए, आपने आइकॉन आदिवासी समाज के आइकॉन टंटिया मामा 2000 किलोमीटर पैदल चल के आप वहां प्रणाम किया। आप ओंकारेश्वर और नर्मदा माई की पूजा आपने की, आपने आज महाकाल की पूजा की। आप बाबा साहब अम्बेडकर के मऊ जन्मस्थली पर गए और वहां स्थली पर जाकर आपने संकल्प किया कि हमारे देश के संविधान को बचाएंगे। इसलिए ये आपकी तपस्या है, मैं आभार मानना चाहता हूँ कमलनाथ जी का, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी अग्रवाल साहब का, आदरणीय सुरेश पचौरी जी का, हमारे नेता पृथ्वी जी का, सभी विधायकों का, अभी सभी पद